आ गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे वीडियो बनाने के लिए। ये है ब्लॉक हाउस बे बीच रिजर्व। अलग अलग बर्ड्स देखने को मिलती हैं यहाँ पे, बच्चे बच्चे खेल रहे हैं। अपन लोग वहाँ बैठ के वीडियो बनाएंगे आज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फाइनली मैं वापस आ गया हूँ 6 पॉइंट SMC रेजिडेंट वीज़ा के सिस्टम को लेके। और काफ़ी टाइम से मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें खुद भी चेक कर रहा था। कुछ गलती होनी नहीं चाहिए, कुछ भी शेयर करना है अगर तो ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। तो आज मैं बात करूंगा SMC के 6 पॉइंट रेजिडेंट वीज़ा की, जो नया सिस्टम आ रहा है 9th of October से। अभी तक जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है SMC कैटेगरी का रेजिडेंट वीज़ा, वो बंद हो जाएगा 16 अगस्त उसकी कट ऑफ डेट है। तो अगर आपके 180 पॉइंट्स बनते हैं उसके कैलकुलेटर के हिसाब से, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली एक बार ट्राई करना चाहिए। प्रॉब्ली हो सकता है कि आप लोगों का भी इनविटेशन आ जाए। तो क्या है इस वीज़ा की खास बात, क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या नई चीज़ें जुड़ी हैं और कैसे आप लोग इस वीज़ा के लिए अवेल कर सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। चलिए, तो अब तो होता है क्या आ रहा था कि 180 पॉइंट के ऊपर है तो आपका जो है जो फाइल है वो पिक हो जाती है EOI की, जिसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। और उसके बाद फिर अगर आप उनको लगता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है और एक्यूरेट है और आपने जो भी प्रोवाइड कराया है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फॉल कर रहा है, तो वो आपको इन्विटेशन भेजते हैं, विच इज़ ITA। और वो मतलब कि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन आपको एक लिंक भेजते हैं और उस लिंक के दौरान आपको जो है अपनी सारी डिटेल्स उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो भी उन्होंने मांगी होती है। तो ये होता है ITA। तो अब जो नया सिस्टम आया है इसमें आप लोग 3 to 6 पॉइंट अवेल कर सकते हो 3 मेजर क्राइटेरियाज के अंडर। पहला है ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन न्यूजीलैंड का, सो इसको ये लोग न्यूजीलैंड ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, इसके बारे में मैं आगे डिटेल में बात करूंगा। दूसरा है क्वालिफिकेशन, तो आपके क्वालिफिकेशन क्या लेवल है उसके हिसाब से आप 3 to 6 पॉइंट के अंडर पॉइंट्स अवेल कर सकते हो। और तीसरा है आपकी इनकम, कि आपकी जी इनकम जो है वो किस लेवल पे है, मीडियन वेज के बराबर है, ज़्यादा है, डबल है, 2x है 3x है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। तो ये 3 क्राइटेरियाज़ हैं बेसिकली जिससे आप 3 to 6 पॉइंट गेन कर सकते हो। स्ट्रेट अवे भी कर सकते हो, अगर आप PhD या डॉक्टरेट हो तो आपको सीधा 6 पॉइंट मिलेंगे और आपका वीज़ा जो है प्रायोरिटी में भी आएगा, 6 to 8 वीक्स में आपका रेजिडेंट वीज़ा आ जाएगा। तो ये 3 प्राइमरीली क्राइटेरियाज़ हैं। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि अगर आपकी जी क्वालिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के पॉइंट बनते हैं 4, तो आप जो है अपने इनकम के नहीं जोड़ सकते उसके साथ, या आप अपनी क्वालिफिकेशन के नहीं जोड़ सकते। तो ये तीनों को अलग अलग ही आपको रखना पड़ेगा, इन तीनों में से 3 to 6 के बीच में आपको गेन करने पड़ेंगे पॉइंट्स। अब सवाल आता है कि अगर किसी के 4 पॉइंट है या 3 पॉइंट है या 5 पॉइंट है तो वो 6 पॉइंट होंगे कैसे? तो उसके लिए एक और प्रोविजन निकाला गया, विच इज़ योर स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन न्यूजीलैंड। तो उसमें होता क्या है कि अगर आपके जो स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस के जो साल हैं वो 1 साल 1 पॉइंट के बराबर होता है और आप मैक्सिमम 3 पॉइंट्स तक गेन कर सकते हैं, विच मीन्स कि आप 3 साल तक के वर्क एक्सपीरियंस को अपने 3 to 6 पॉइंट के बीच में ले जा के जोड़ सकते हो। तो ये कुछ क्राइटेरिया इन्होंने इस तरह से बनाए गए हैं। अब मैं स्टेप वाइज चलूँगा कि ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन क्या है न्यूजीलैंड में, दूसरा क्वालिफिकेशंस के क्या पॉइंट्स हैं, कैसे हम उसको अवेल करेंगे, और तीसरा कि भैया ये इनकम की क्या बात है, कि इनकम किस हिसाब से होनी चाहिए, कौन सी जॉब ऑफर आपके हाथ में होना चाहिए और आप कितना कमाना चाहिए, कितने घंटे आपको काम करना है, ये सारा कुछ डिफाइन कर दिया गया है। तो अब इसके ऊपर बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन इन न्यूजीलैंड। सो बेसिकली क्या है कि न्यूजीलैंड ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन में कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसी होती हैं जिनके अंडर ट्रेनिंग होनी ज़रूरी होती है और ये लिस्टेड हैं प्रॉपरली। प्राइमरीली ये 4 कैटेगरीज में इन लोगों ने बांटी है। पहली है मैरीटाइम, दूसरी है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, तीसरी है प्रोफेशनल एंड अदर ट्रेड्स, और चौथी है हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज। तो ये 4 ट्रेड्स के अंदर प्रोफेशंस लिस्टेड हैं और इन प्रोफेशंस के साथ लगती है ट्रेनिंग। तो जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन है ट्रेनिंग की उतने ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। तो कुछ प्रोफेशंस फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अगर उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रखा है और कौन सी बॉडी से होता है वो भी उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, तो उसके मिलते हैं 6 पॉइंट। अगर आप लाइसेंस्ड लीगल एडवाइज़र हो या इमिग्रेशन एडवाइज़र हो तो आपको 6 पॉइंट स्ट्रेट अवे मिलेंगे। अगर आप मरीन इंजीनियर हो तो उसके 5 से 4 पॉइंट मिलते हैं। तो उन्होंने लेवल वाइज सारी जॉब्स जो रजिस्टर्ड होती हैं, जिनकी ट्रेनिंग चाहिए होती है, जितने साल की चाहिए होती है, उसके हिसाब से इन्होंने जी क्या कर दिया है, इन्होंने उसके पॉइंट डिफाइन कर दिए हैं। जिनके 6 पॉइंट स्ट्रेट अवे लगते हैं वो स्ट्रेट अवे रेजिडेंट वीज़ा लगा सकते हैं और अपना जो वीज़ा है वो 6 से 8 वीक के बीच में आ भी जाएगा, ये वो क्लेम कर रहे हैं। तो जी, ये साल के हिसाब से जितने साल आप स्पेंड करते हो ना ट्रेनिंग में अपनी ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके हिसाब से पॉइंट्स हैं। 6 साल के 6 साल, 5 साल के 5, 4 साल के 4 पॉइंट है, लेकिन 2 साल के 3 पॉइंट है। तो ये एक स्लैब है जिसके अंडर फॉल करना ज़रूरी है टू क्लेम सच पॉइंट्स
अंडर द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ न्यूजीलैंड ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे मैंने इनिशियली बताया कि आप एक साल का या दो साल का या तीन साल का काम करके अपने पॉइंट्स क्लब कर सकते हो अपने प्राइमरीली थ्री क्राइटेरियाज के साथ, लेकिन वो ये बोल रहे हैं अपनी वेबसाइट पे वेरी क्लियरली कि अगर आपके पांच पॉइंट बनते हैं पांच साल की ट्रेनिंग के साथ, तो जो आप वर्क एक्सपीरियंस का अपना पॉइंट जोड़ोगे ना सिक्स पॉइंट कम्प्लीट करने के लिए, क्योंकि दिस इज़ द रेस फॉर सिक्स पॉइंट, तो वो जो एक साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपकी ये ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद होना चाहिए कि आपके पास जो है ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन आ गई है, उसके बाद आपका जो एक साल का एक्सपीरियंस गिना जाएगा। ऐसा नहीं कि साथ साथ में आप कहीं से ढूंढ डांड के लाए और उसको हमने अप्लाई कर दिया और दिखा दीजिए छः पॉइंटों का, ये वैलिड नहीं होंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूजीलैंड ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, विच इज़ क्वालिफिकेशन, जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग जानना चाहेंगे, स्पेशली पीपल फ्रॉम ओवरसीज़, जो हमारे भाई लोग ओवरसीज़ बैठे हुए हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़े से चेंजेस भी हैं जो कि मुझे थोड़े अजीब लगे, करते हैं इस बारे में बात। अगर बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की, तो सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे वो सिक्स पॉइंट वाली क्वालिफिकेशन है, विच इज़ PhD एंड डॉक्टरेट। तो अगर आपके पास PhD या डॉक्टरेट है तो आप जो है डायरेक्टली ओवरसीज से भी अप्लाई कर सकते हो, न्यूजीलैंड में रहते हुए भी अप्लाई कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपकी जो डिग्री है वो एग्जेम्प्टेड नहीं है तो आपको NZQA कराना पड़ेगा। NZQA इज़ बेसिकली न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन अथॉरिटी। ये करते क्या है, जो आपकी होम डिग्री होती है उसको अपने लेवल के हिसाब से अपने फ्रेमवर्क में डाल के देते हैं, एंड दिस इज़ एक्चुअली चार्जेबल, सो यू नीड टू पे सम अमाउंट। और इस अमाउंट के साथ साथ आपको ये अपने फ्रेमवर्क में बता देते हैं कि भाई एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन कितना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई इंडिया का लेवल जो है ना वो मास्टर्स का यहाँ पे लेवल 9 है, तो वो सिमिलर ही रहता है यहाँ पे। भाई ये तो प्यारा सा डॉगी आ गया, दैट्स ऑल राइट, डराई दिया इसने तो मुझे लगा पता नहीं क्या आ रहा है मेरे पास। बड़े प्यारे प्यारे होते हैं यार, ओबीडियंट होते हैं, ये सुन नहीं रहा, थोड़ा सा नाटक कर रहा है। बट कमिंग बैक टू द क्वालिफिकेशंस, मास्टर्स डिग्री का यहाँ पे लेवल 9 बोला जाता है और मास्टर्स डिग्री के यहाँ पे 5 पॉइंट है। सिमिलरली बैचलर्स ऑनर्स डिग्री के यहाँ पे 4 पॉइंट दिए जाएंगे। तो जी इमिग्रेशन ये बोलता है कि आपको अगर बैचलर्स ऑनर्स डिग्री है या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो 4 पॉइंट अवार्ड किए जाएंगे, और अगर हमारे पास सिर्फ बैचलर्स है, नो ऑनर्स, नॉर्मल बैचलर्स प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो इसको ये लोग 3 पॉइंट अवार्ड करेंगे। सो यू कैन ओनली अवेल फ्रॉम 3 to 6। अब इसमें कैच क्या है कि जो पहले वाला SMC कैटेगरी था जिसमें कि 180 पॉइंट्स की दौड़ लगती थी और हमको 180 पॉइंट्स चाहिए होते थे, उसमें लेवल 4 एंड अबव को पॉइंट्स मिलते थे, लेकिन अभी वो बंद हो गया है। लेवल 4 और 4 एंड अबव को तो पॉइंट्स दिए ही नहीं जा रहे हैं, इनफैक्ट बैचलर से स्टार्ट किया जा रहा है अप टिल PhD एंड डॉक्टरेट तक जा रहा है, जो कि एक सैड न्यूज़ है। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री के नीचे वाली कोई डिग्री है या आपके पास नॉन डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है तो वो फिर इस सिस्टम में 6 पॉइंट सिस्टम में काउंट नहीं किया जाएगा। यू कैन नॉट क्लेम पॉइंट्स फॉर डिग्रीज बिलो बैचलर्स, दैट इज अ ट्विस्ट इन दिस 6 पॉइंट सिस्टम। अब इसमें ना एक चीज़ ध्यान देने वाली ये भी है कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि पहले के टाइम पे नहीं, मतलब करंट वाला SMC 180 पॉइंट वाला जिसकी मैं बात करूँ, तो उसमें क्या होता है कि कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जिन्होंने एग्जेम्प्ट कर रखी है और उसकी एक लिस्ट है कि भैया आपको ये डिग्रीज ना NZQA के पास नहीं भेजनी SS कराने के लिए, आप सीधा सीधा अपने पॉइंट क्लेम कर लो। लेकिन नए सिस्टम में वो कौन सी डिग्रीज होंगी जो एग्जेम्प्टेड है उसकी लिस्ट ये जारी करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। एज ऑफ टुडे वो लोग क्लियरली ये बोल रहे हैं कि जो पुराना वाला है वो सब फ्लश हो जाएगा, नया जो हमारा नया पॉइंट सिस्टम आएगा जो कि 6 पॉइंट सिस्टम है, उसके साथ साथ वो एग्जेम्प्टेड डिग्रीज और इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़ उन सब की लिस्ट वो नई जारी करेंगे। पहले के टाइम पे फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा सा बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है ना वो और या फिर और भी IITs हो गए, NITs हो गए, इनकी डिग्री ना एग्जेम्प्टेड थी। अभी ये पता नहीं क्या करेंगे, अभी ये इसको रखेंगे नहीं रखेंगे वो तो भगवान जाने, लेकिन कंट्री वाइज उसकी लिस्ट निकालेंगे अक्टूबर फर्स्ट वीक में। तो ये भी हम लोगों को वेट करना पड़ेगा उस लिस्ट को चेक करने के लिए और अपनी डिग्री को एसेस करने के लिए कि कौन से लेवल पे है। अब बात करते हैं इनकम के बारे में, जो कि थर्ड क्राइटेरिया है और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वेटेज दी गई है उन लोगों को जो न्यूजीलैंड में काम कर रहे हैं या जिनके पास ऑफर है। तो काइंड ऑफ यार मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है ये बोलना, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ना ये फेवरेबल हो गया है लोगों के लिए जो न्यूजीलैंड में काम कर रहे हैं जिनके पास ऑफर है। तो जो ओवरसीज़ वाले हैं ना उनको थोड़ा सा सेटबैक होगा, एंड स्पेशली जिनकी क्वालिफिकेशंस लेवल 7 के नीचे हैं
उनको भी एक ये सेटबैक मिलेगा। तो अब इनकम के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने इनकम में क्या डिफाइन करा है। चलिए, और इससे पहले मैं इनकम के बारे में स्टार्ट करूं तो मैं ये बताना चाहूंगा 2022 में इन्होंने हाईली पेड रेजिडेंट वीज़ा निकाला था कि जिनकी सैलरी बहुत ही हाई है उनको डायरेक्टली ये रेजिडेंट वीज़ा दे रहे थे, लेकिन अब वो भी बंद हो गया है। तो उन्होंने भाई ये न्यूज़ जारी करी और लेटेस्ट अपडेट है कि अगर आपका हाई रेजिडेंट वीज़ा में आप क्वालिफाई करते हो, जो कि 2022 में अनाउंस किया गया था, वो एबॉलिश किया जा रहा है। अगर आपको करना है अप्लाई तो आप अब नॉर्मल 6 पॉइंट सिस्टम के अंदर इसको अप्लाई करेंगे, विच इज़ SMC न्यू 6 पॉइंट सिस्टम। तो वो वाली जो वीज़ा थी, जो रेजिडेंट वीज़ा था 2022 में जो अनाउंस किया था, वो तो इन्होंने बंद ही कर दिया है। तो अब ये कैसे इसको डिफाइन कर रहे हैं, इन्होंने फिर से जो पॉइंट्स हैं, विच इज़ 3 to 6 पॉइंट्स, बिकॉज 3 to 6 पॉइंट्स आप हर एक क्राइटेरिया में अवेल कर सकते हो, उसको डिफाइन कर दिया है। और जो 6 पॉइंट हैं, अगर आपकी इनकम जो है 3 गुना है मीडियन वेज के, तो आपको स्ट्रेट अवे 6 पॉइंट दिए जाएंगे और आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो करंट मीडियन वेज है ना, वो $29.66 पर आवर की है, और इसी के हिसाब से ही सारी कैलकुलेशन हो रही है। तो जो 6 पॉइंट मिल रहे हैं, अगर आपके 3 टाइम्स और मोर, मतलब आपके 3 गुना, 29.66 से आप गुना कर लो 3 बार, उतनी सैलरी है या उससे ज़्यादा है, तो आप सीधा 6 पॉइंट अवेल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी जो सैलरी है वो 2 गुना है 29.66, विच इज़ दी मीडियन वेज, तो आप 6 के बाद ऐसा नहीं है कि 5 पे आओगे, उसके बाद आप 4 पॉइंट पे आओगे। तो 5 पॉइंट इनकम में है ही नहीं, 6 के बाद सीधा 4 है, और 4 पॉइंट उसको मिलेंगे जिसकी 2 गुना है, ट्वाइस है, 2 टाइम्स ऑफ मीडियन वेज। प्लस अगर आपकी जो इनकम है वो फॉल करती है 1.5 टाइम्स ऑफ मीडियन वेज, तो आपको 3 पॉइंट अवार्ड किए जाएंगे उस सैलरी के लिए, 1.5 टाइम्स 3 पॉइंट। तो ये हो गए आपके 3 to 6 पॉइंट के बीच में इनकम के क्राइटेरियाज। अब होगा क्या कि आप 6 पॉइंट कैसे कर सकते हो, 6 पॉइंट आप ऐसे कर सकते हो कि भैया आपने बोला कि भाई आपकी जो सैलरी है लेट्स से वो ट्वाइस है ऑफ मीडियन वेज, तो 4 पॉइंट उसके मिलते हैं। अब 2 पॉइंट जो है ना, वो आप 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस के साथ गेन कर सकते हो, स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन न्यूजीलैंड, उसके हिसाब से कर सकते हो। लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि अगर आप वो 2 साल अवेल कर रहे हो, प्लस आप क्लब कर रहे हो अपना सैलरी इनकम ट्वाइस द मीडियन वेज, तो आपकी जो सैलरी है ना, जो ट्वाइस द मीडियन वेज है, ये इन 2 सालों में होनी चाहिए जब आप उसको क्लेम कर रहे हो। चाहे अगर आपके 6 पॉइंट तो चलो स्ट्रेट अवे बन जाते हैं, लेकिन अगर आपके 3 पॉइंट बन रहे हैं 1.5 गुना के साथ, तो और आप 3 साल का अवेल करना चाह रहे हो, तो उन 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस में आपकी जो सैलरी है वो 1.5 गुना होनी चाहिए उस दौरान। तो ये भी एक कंडीशन है। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस भी हैं जॉब्स की, अभी उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो जॉब है ना, जिसके हम लोग पॉइंट्स गेन करने जाएंगे जब हम रेस में भागेंगे 6 पॉइंट्स की, और अपने अपने क्राइटेरियाज फॉल करेंगे, भैया मेरी क्वालिफिकेशन इतनी है, मेरे को इतने पॉइंट्स चाहिए, या मेरी इनकम इतनी है, मुझे इतने पॉइंट्स चाहिए, तो उसमें जो हमारा अंगरक्षक है, जो हमको बचाएगा अंगरक्षक, वो होगा हमारा वर्क एक्सपीरियंस। लेकिन उसमें भी कंडीशंस डाली हैं इमिग्रेशन ने। इमिग्रेशन ये बोलता है कि ऑफकोर्स इनकम में तो आपकी सेम इनकम होनी ही चाहिए, लेकिन जो आपकी जॉब है ना, वो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर की होनी चाहिए। जो इनकी एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर की लिस्ट है ना, वो वेबसाइट पे है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा। अगर आपके पास जॉब ऑफर है या आप काम कर रहे हो ऑफर, और इफ़ यू आर करंटली वर्किंग, सो यू कैन चेक योर एक्रेडिटेशन ऑफ द एम्प्लॉयर। वहाँ पे एक कोड निकल के आता है, वो कोड आपको उनको देना पड़ेगा। तो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर होना ज़रूरी है। तो कोई भी जॉब अगर न्यूजीलैंड में ढूंढेगा, तो वो प्लीज़ उससे रिक्वेस्ट है कि वो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर में ही ढूंढे, क्योंकि वही मान्य होगा, वैलिड होगा, उसी के ही एक्सपीरियंस को गिना जाएगा। दूसरा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है या आपका जो जॉब रोल है ना, उसमें एटलीस्ट 1 वीक में 30 आवर्स की जॉब आपकी होनी चाहिए, उसी को वो बोल रहे हैं फुल टाइम। और फुल टाइम और परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट एटलीस्ट फॉर 12 मंथ्स, ये कंडीशन भी होनी ज़रूरी है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर। दूसरा, आपका जो है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट 12 महीने का होना चाहिए, या आपका फुल टाइम जॉब होनी चाहिए। तीसरा, कि 30 घंटे हफ्ते में होने ही चाहिए। तो इसको वो गिनेंगे वर्क एक्सपीरियंस के लिए। और इसको और फर्दर सेग्रीगेट किया गया है एज़ पर एंस्को लेवल। तो एंस्को लेवल बहुत सारे लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो एंस्को लेवल क्या है, लेवल्स डिफाइंड है हर एक जॉब के, और हर एक के जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से एक लेवल होता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में फॉलो किया जाता है, जिसके हिसाब से इमिग्रेशन जो है ना असेसमेंट करता है जॉब्स के लेवल की। तो बात सही भी है यार, कोई लेवल तो होना चाहिए ना जिसके हिसाब से सारा असेसमेंट किया जाए। तो वो असेसमेंट एंस्को के हिसाब से होता है, उसकी जो कैटेगराइजेशन करी है, अब उसके बारे में बताता हूँ। ये फर्दर सेग्रीगेशन है जॉब्स का। तो जी, जॉब में ना अगर एंस्को लेवल 1, 2, 3, इन 3 लेवल पर अगर जॉब फॉल करती है हमारी,
तो हमारी जो सैलरी है ना वो मीडियम वेज के बराबर या उसके ऊपर होनी चाहिए, तभी वो वर्क एक्सपीरियंस गिना जाएगा। अगर हमारी जो जॉब है या हमारा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो 4 to 5 कैटेगरी में मैच करता है या फॉल करता है, तो हमारी जो सैलरी है ना वो एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ मीडियम वेज होनी चाहिए। दैट मीन्स $29.66 इनटू 1.5 निकल के जो आता है विच इज़ 44 समथिंग, वो होनी चाहिए, तभी हमारा ये जॉब एक्सपीरियंस गिना जाएगा। अब इसमें ना थोड़ा सा मेरा तो ये सोचना है कि भाई जब ज़्यादा अच्छी जॉब को कम सैलरी की डिमांड है, लेकिन जो 4 and 5 है जो कि ज़्यादातर क्लेरिकल या स्टार्टअप जॉब्स होती हैं, जो इनिशियल लेवल की जॉब्स होती हैं, उनको भाई 1.5 टाइम्स कैसे मिल जाएगा मीडियम वेज, मेरे को तो ये बात समझ नहीं आई। बट एनीवेज अब सरकार ने डिफाइन किया तो कुछ सोच समझ के क्या होगा। बट एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग ये है जो कि क्लियरली समझ में आ रही है कि अब जो है ना बिल्कुल क्रीम को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि आप देखो डिग्री में भी आप बैचलर्स एंड अबव के ऊपर बात हो रही है, इनकम भी जो अचीवेबल एंड प्रैक्टिकल है वो 1 to 3 लेवल की है विच इज़ इक्वल टू मीडियम वेज और अबव, लेकिन जो 4 and 5 वाला है तबके का जो बंदा है वो 1.5 गुना कैसे कमा लेगा, मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा। सो आई डोंट नो, एज पर मी काफ़ी सारी चीज़ें ट्विस्टेड एंड इंक्लाइन टूवर्ड्स क्रीम ऑफ द क्राउड है। सो लेट्स सी, अब हम इसके बारे में बात करते हैं जो चीज़ें जो हैं जो चेंज नहीं हो रही हैं। ये सब तो अभी तक हम चेंजेस की बातें कर रहे थे कि भाई SMC कैटेगरी में अभी ये चेंजेस आ रहे हैं, अब जो चेंजेस नहीं हो रहे हैं अब उसके बारे में बात करते हैं। व्हेन देयर विल बी अ ट्रांजिशन फ्रॉम SMC रेजिडेंट वीज़ा टू SMC 6-point सिस्टम एप्लीकेबल फ्रॉम 9th of October 2023। अब कुछ चीज़ें जो इमिग्रेशन के हिसाब से चेंज नहीं हो रही हैं 6-point सिस्टम में, वो है एक तो आपकी हेल्थ की रिक्वायरमेंट हो गई, कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट हो गई, एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया पहले भी ये था कि 55 साल 55 ईयर्स ओल्ड और बिलो, ये पहले भी क्राइटेरिया था, ये अभी भी क्राइटेरिया रहेगा। और पहले भी इंग्लिश जो थी उसकी प्रोफिशिएंसी को टेस्ट किया जाता था, उसके भी लेवल थे, अभी भी रहेंगे। तो ये 4 चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, कैरेक्टर, हेल्थ, इंग्लिश टेस्ट या इंग्लिश लैंग्वेज, और फोर्थ इज एज, दिस विल रिमेन द सेम, दैट हैज़ बीन कन्फर्म्ड। तो ये सब था जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं नए सिस्टम में, और कुछ चीज़ें हैं पुराने सिस्टम में। मेरे हिसाब से एक छोटा सा कंपैरिजन जो मैं ड्रॉ करना चाहूँगा पुराने सिस्टम में और नए सिस्टम में, वो ये है कि पुराने सिस्टम में एक तो कैपिंग थी वीज़ा की, नए सिस्टम जो 6-point सिस्टम आ रहा है उसमें कोई कैपिंग ही नहीं है। पुराने सिस्टम में ना ऑकलैंड के बाहर जाने के ना पॉइंट्स मिलते थे, तो हो क्या रहा था कि डेंसिटी बढ़ती जा रही थी ऑकलैंड की, और एक ये अच्छा ट्रिक बोल सकते हो या एक अच्छा ऑप्शन था कि अगर आप ऑकलैंड छोड़ के जाते हो 30 points जो ऑकलैंड के बाहर निकल के मिलते थे फॉर एप्लीकेशन ऑफ रेजिडेंट वीज़ा। अब क्या है, ऑकलैंड में रहो ना रहो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्राइटेरिया ख़त्म ही हो गया है। तो ऑकलैंड की डेंसिटी डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तीसरा, पुराने SMC रेजिडेंट वीज़ा में ना अपना पार्टनर्स की क्वालिफिकेशन, एज, उसकी लैंग्वेज, काफ़ी सारी चीज़ों के ना पॉइंट्स गेन करता था प्रिंसिपल एप्लीकेंट। अब वो वाला सिस्टम भी ख़त्म हो गया है, अब प्रिंसिपल एप्लीकेंट का कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आपने लगाया अब अपने साथ एक डिपेंडेंट का लगा देना, वो अगर आपका पास होता था उसका भी पास हो जाएगा। अच्छी बात भी है बुरी बात भी है, टाइम बताएगा। और लास्टली इसमें क्वालिफिकेशंस जो हैं वो टफ़ कर दी हैं। तो पहले जो था मतलब आप लगा लो Level 4 and above के साथ स्टार्ट होता था पुराना SMC रेजिडेंट वीज़ा, अभी नया 6-point सिस्टम जो आ रहा है SMC रेजिडेंट वीज़ा का, उसमें तो बैचलर्स के नीचे बात नहीं हो रही है, विच इज़ Level 7 and above के ऊपर बात हो रही है 7, 8, 9 के बाद। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा फॉर द पीपल हु हैव नॉन डिग्री सर्टिफिकेट्स। तो Level 4, 5 and 6 का आई डोंट नो कैसे फाइल कर सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस में करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा उन लोगों को भी वे आउट की कैसे हो सकता है, टफ है मामला। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ना अपनी वीडियो में ना कुछ स्नैपशॉट्स डालूंगा जो कि कंपैरिजन बताते हैं और थोड़ा सा सिंपली एक्सप्लेन करते हैं पूरे मैट्रिक्स को 6-point सिस्टम के, एंड आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। सारे लोग अपना अपना दिमाग लगाना शुरू कर दो कि किसका कहाँ हिसाब किताब बैठेगा, बिकॉज सारी रेस अब 6-point की है इंस्टेड ऑफ 180 points, एंड लेट्स सी हाउ द वर्ल्ड शेप्स अप इन न्यूजीलैंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्दी नई वीडियो में, मेरा नाम है मनीष रावत, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।